कैसी आजादी, बोलो 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 कैसी आजादी। उससे ज्यादा घूस देना अपराध है और इन्हीं घूसखोरों ने हमारे भारत माँ को शर्मिंदगी से डुबा दिया है और हम भ्रष्टाचार से दबे हुए हैं। हाँ भैया, सही कह रहे हो। इसी करप्शन के कारण आतंकवादियों के लिए रात को कोर्ट खुल जाती है और बड़े बड़े घूसखोर पैसा देकर जेल से छूट जाते हैं। सुना है ना आपने? हाँ। और उसी पैसे से जनता जनार्दन और शासन प्रशासन को खरीदते हैं और हम लोगों पर रोक जाते हैं। क्या करें भैया, अब कहाँ जाएं? सत्य और निष्ठा के पास। जी हाँ दोस्तों, सत्य और निष्ठा के पास। सत्य और निष्ठा से जो भी व्यक्ति अपना कार्य करने लगे, इस देश से सारी भ्रष्टाचार को मिटाया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ सत्य और निष्ठा। तो आज हम लोग ये प्रण लेते हैं कि सत्य और निष्ठा के साथ ही हम कार्य करेंगे और अगले से भी ये कार्य करवाएंगे। आज की युवा चाहे तो कुछ भी कर सकती है। उनके पास मोबाइल है, उनके पास व्यवस्था है, वो जागरूक केंद्र में जाके सूचनाएं दे सकती है। और पता है, ये जो जानकारी होती है वो गोपनीय रखी जाती, किसी को बताई नहीं जाती। और इसका जो नंबर है वो नंबर है 139। अरे यार, हमने तो सोचा था हम आजाद हो गए, लेकिन अभी हम आजाद नहीं है। वो कैसे भैया, कैसे नहीं आजाद हुए? अरे भाई, ये नाटक वाले सही कह रहे हैं। कैसे आजादी, किस तरह की आजादी? जहाँ देखो वहाँ करप्शन, छोटे से छोटे काम में करप्शन। स्कूल में एडमिशन लेना है या बैंक में लोन लेना है या कोई भी छोटे से छोटे, जैसे हमारे हॉस्पिटल में कोई ऐसे इमरजेंसी रह गए वहाँ भी घुसखोरी। अरे कहाँ जाए, क्या करें भैया, हर जगह घुसखोरी है। अरे हाँ भैया, हमारी कानून व्यवस्था इतनी सड़ चुकी है और लचर और लाचार हो चुकी है। अरे भाइयों, क्या लगता है कि इनके नुक्कड़ नाटक से जो घुसखोरी से घुसखोरी के जंजीरों में जकड़ी हुई भारत माँ और भ्रष्टाचार से लोग परेशान, क्या आजादी मिल सकती है? ऐसा लगता है क्या आजादी मिल सकती है? अरे आज की जो यूथ है, वो जो मोबाइल है ना, मोबाइल उसमें जो रील देखती है, रील अगर उसकी जगह वो राष्ट्रता और चीजों की रीलें को देखे तो बढ़ावा बदे तो सुधर सकती है। और इसी के लिए हमारी जो टीम है वो कुछ आपके लिए प्रस्तुत की है। तो शुरू करते हैं। हर रील सरक वाला से कुछ न होई, कुछ न होई भैया, कुछ न होई। हम आज इस प्रांगण से सभी युवाओं से ये अनुरोध करेंगे।